पंजाबी समाज के राष्ट्रीय और उत्तर प्रदेश के प्रदेश संयोजक हापुड़ के प्रवीण सेठी का गोला गोकरण नाथ खीरी में लोहड़ी महोत्सव के कार्यक्रम में प्रतीक चिन्ह और शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। प्रवीण सेठी ने बताया कि पंजाबी समाज का मुख्य त्यौहार लोहड़ी उत्सव पूरे उत्तर प्रदेश में धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस बार उत्तर प्रदेश के 13 जिलों में लोहड़ी महोत्सव के कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जिसमें गोला गोकर्णनाथ खीरी में लोहड़ी महोत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में प्रवीण सेठी का स्वागत किया गया। उन्होंने बताया कि पंजाबी समाज को एकजुट करने के लिए वो पूरे उत्तर प्रदेश में जा रहे हैं। प्रवीण सेठी ने पंजाबी समाज की कमान संभालने के बाद पूरे उत्तर प्रदेश के पंजाबी समाज को एकजुट करने का कार्य शुरू कर दिया है। अभी कुछ समय पहले प्रवीण सेठी को रांची झारखंड में भी सम्मानित किया गया था। हमें पंजाबी समाज को अपनी ताकत दिखानी होगी, क्योंकि आज पंजाबी समाज को कोई नहीं पूछ रहा, ना कोई राजनीति में पंजाबी समाज को पूछता है, ना कोई कहीं भी पूछता है। हमारे कहीं विधायक नहीं है, रोमी सहनी जैसे विधायक अगर हमारे बीच में है तो वो अपनी ताकत की बदौलत है। वो आज रोमी सहनी जी हमारे पंजाबी समाज उत्तर प्रदेश के संरक्षक भी हैं। ऐसे विधायक हमारे बीच में होने चाहिए। मैं सभी से आह्वान करना चाहता हूं, पंजाबी समाज को उत्तर प्रदेश में एक करने के लिए एकजुट हो जाएं, अपनी अलग पहचान बनाए। पंजाबी समाज को मजबूत करोगे तो सारी पार्टियां तुम्हें पूछेंगी। आज हमें कोई नहीं पूछ रहा है, क्योंकि हम एक नहीं है, हमें एक होना पड़ेगा। जिस दिन हम एक हो जाएंगे, पूरा पंजाबी समाज राष्ट्र में एक हो जाएगा। हम हीरा हैं, हमें पंजाबी समाज को अपनी ताकत दिखानी होगी, क्योंकि आज पंजाबी समाज को कोई नहीं पूछ रहा, ना कोई राजनीति में पंजाबी समाज को पूछता है, ना कोई कहीं भी पूछता है। हमारे कहीं विधायक नहीं है, रोमी सहनी जैसे विधायक अगर हमारे बीच में है तो वो ताकत की बदौलत है। वो आज रोमी सहनी जी हमारे पंजाबी समाज उत्तर प्रदेश के संरक्षक भी हैं। ऐसे विधायक हमारे बीच में होने चाहिए। मैं सभी से आह्वान करना चाहता हूं, पंजाबी समाज को उत्तर प्रदेश में एक करने के लिए एकजुट हो जाएं, अपनी अलग पहचान बनाए। पंजाबी समाज को मजबूत करोगे तो सारी पार्टियां तुम्हें पूछेंगी। आज हमें कोई नहीं पूछ रहा है, क्योंकि हम एक नहीं है, हमें एक होना पड़ेगा। जिस दिन हम एक हो जाएंगे, पूरा पंजाबी समाज राष्ट्र में एक हो जाएगा।